हेलो एवरीबॉडी, हमारे सामने आप देख सकते हो टाटा की कर्व। और सबसे खास बात यह है कि यह है इसका वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स, जो कि है क्रिएटिव प्लस एस। है तो अपना डुअल टोन, लेकिन उससे भी खास बात यह है कि ये अपने पास फिलहाल डीजल मैनुअल में अवेलेबल है। तो डीजल शौकीन के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि कर्व डीजल में आपको क्रिएटिव प्लस एस में एग्जैक्टली क्या फीचर्स मिलते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है, कैसा स्पेस है, प्रैक्टिकलिटी है, ए टू जेड जो सारी बातें हैं वो। लेकिन उससे पहले चाबी की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको ऐसा चाबी देखने को मिलता है। आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम चाबी है कर्व से ही। ये जो नया वाला चाबी है ये टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे टाटा का लोगो है, यहाँ पे लॉक का बटन है, यहाँ पे बूट खोलने का बटन है, यहाँ पे फॉलो मी होम हेडलैम्प्स है, यहाँ पे अनलॉक का बटन है। सबसे पहले कार की फ्रंट लुक की बात करें तो देख सकते हो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है फ्रंट लुक। इसको कर लेते हैं सबसे पहले अनलॉक, तो देख सकते हो ऐसा अपना जो स्वाइपिंग DRL है वो दिया गया है। लॉक करोगे तो ऐसे ये लॉक हो जाएगी। वैसे जो डेडिकेटेड जो वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन है वो आपको DRL के तौर पे वो वाला इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। बट जो भी है, कार की लाइटिंग की बात करें तो देख सकते हो आपको यहाँ पे ऑल दिया गया है LED। यहाँ पे अपना बाई फंक्शनल लाइट दिया गया है, लो बीम हाई बीम इसी का काम करता है। यहाँ पे अपना LED फॉग लैम्प्स हो गया, DRL भी वही अपना कनेक्टेड वाला दिया गया, जो कि रात में बहुत ही आपको एक अच्छा खासा लुक निकाल के देने वाला है। बाकी यहाँ पे अपना हो गया टाटा का लोगो। 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट में भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दो हो गए, और यहाँ पे कोई रेडार नहीं है, ना ही ऊपर कोई कैमरा, क्योंकि टॉप वेरिएंट नहीं है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो इसीलिए आपको इस वेरिएंट में ADAS देखने को नहीं मिलता। बाकी जो ग्रिल का डिज़ाइन है ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। आ जाते हैं साइड में, और साइड लुक आप ज़रा इस कार की देख लो इस एंगल से। वैसे लंबी और चौड़ी तो डेफिनेटली ये कार लगती है विजुअली। नीचे बात करें तो ये जो क्लैडिंग है ये आपको दिया गया है पूरा ग्लॉस ब्लैक में, और जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है ये आपको कैसा लग रहा है ये भी आप मेरे को कमेंट में बता देना। थोड़ा सा 5-spoke वाला जो डिज़ाइन है वो दिया गया है। प्रोफाइल की बात करें तो 215x55R18 18 इंची का जो सेक्शन है वो आपको टायर यहाँ पर मिलता है। कर्व की जो बैजिंग है वो आपको बॉडी के इस साइड पर मिलता है, दोनों तरफ है वैसे, और यहाँ पर भी जो ग्लॉस ब्लैक का इंसर्ट है वो आप देख सकते हो। ORVM आपको दिया गया टर्न इंडिकेटर्स के साथ, ये अपना ग्लॉस ब्लैक में है, और जो अपना 360 डिग्री कैमरा है वो आपको यहीं पे मिलता है। और यहाँ पे भी आपको जो फ्लश डोर हैंडल्स है दो स्टेप में इसको खोलना है वो आपको मिलता है। अपना रिक्वेस्ट सेंसर हो गया, इसको करते हैं अनलॉक, तो देखोगे तो यहाँ पे जो लाइट है वो भी जल जाएगी। पीछे भी वैसा इसका हिसाब किताब है। जो बेल्ट लाइन है ये भी आप देख सकते हो क्रोम में फिनिश्ड है, और पीछे भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, नहीं पीछे डिस्क नहीं है, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रहा है। सो दैट सरप्राइजिंग, बट जो भी हो, जो मैसिव पैनोरामिक सनरूफ है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। डुअल टोन में छत है, अपना शार्क फिन एंटेना हो गया, स्पॉयलर जो फील है वो देने की यहाँ पे हल्की सी जो कोशिश है वो की गई है, और ये है इसका कुछ रियर लुक। इसका जो क्या नाम लेते हैं जो टेल लैम्प है उसको भी एक बार जला लेते हैं, ये देख सकते हो ये भी आपको फुल जो कनेक्टिंग स्टाइल है उसमें मिल जाता है। जो रिवर्स लैम्प है वो आपको कार के एक साइड पे मिलता है, जो ब्रेक लैम्प है वो आपको यहाँ मिलता है। अगेन टाटा का लोगो हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, 360 मैं कह रहा हूँ रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया, कर्व की बैजिंग यहाँ पे हो गई, पीछे दो अपने पार्किंग सेंसर्स हो गए, ग्लॉस ब्लैक में जो ये स्किड प्लेट है वो आपको दिया गया है, और जो बूट है इसको खोल लेते हैं। वैसे इस वेरिएंट में आपको जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है वो नहीं मिलता, बट प्रीमियम वाइट कलर में नंबर प्लेट की लाइट मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हो 500 लीटर का मैसिव आपको एक जो बूट स्पेस है वो ऑफर किया गया, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल आपके लिए बन जाती है। यहाँ पे अपना जो बूट लैंप है वो हो गया, दो ऐसे हुक्स हो गए यहाँ पे भी हुक्स हो गए, और यहाँ पे जो टूल किट एंड ऑल है वो आप रख सकते हो। वैसे इस वेरिएंट में आपको कोई जो सब वूफर है वो नहीं मिलता, और बूट की जो गहराई है आपको इतनी मिलती है। एंड जो स्पेयर व्हील है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। स्पेयर व्हील की प्रोफाइल है 215x65R16, तो 2 इंची छोटा जो सेक्शन है वो आपको स्पेयर व्हील पे मिलता है। बूट को कर दिया मैंने बंद, और एक चीज़ मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ जो फिट एंड फिनिश इशू है उसमें। ये वाला जो डोर है जब भी मैं खोलूँगा ना, इस पैनल को आप देखना, ये थोड़ा सा उखड़ा पड़ा है। जब भी मैं इसको बंद करूँगा इस डोर को, देखना ये बाहर ऐसे प्रोट्रूड होगी, देखना। हाँ देखा, दोबारा दिखाता हूँ खोल के, ये देखिए, और ये तो ये एक हल्का सा जो इशू है फिट एंड फिनिश वाइज बाहर से मेरे को दिख गई। बाकी अंदर जाते हैं और अंदर की जो बातचीत है वो भी कर लेते हैं आपके सामने। चलो, डोर का जो ओपनिंग है काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिया गया है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ब्लैक
एंड जो लाइट ब्लू या फिर मेटालिक ब्लू कुछ भी आप कह सकते हो यहाँ पे स्पार्कल्स देख लो वो आपको मिलता है। बॉटल होल्डर अपना यहाँ पे हो गया, अम्ब्रेला होल्डर हो गया, स्पीकर हो गया, और जो क्या नाम लेते हैं ORVM के कंट्रोल्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चारों के चारों पावर विंडोज़ हो गए, क्रोम में अपना डोर हैंडल हो गया। सीट की बात करें तो 6 फीट एडजस्टेबल आपको सीट्स मिलता है, ऑल मैनुअल, और यहाँ पे भी ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट है। यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट टच वाला फील देने की बेशक कोशिश की गई है। एयरबैग्स आपको कार में 6 मिलते हैं और फैब्रिक अपोल्स्ट्री में जो सीट्स हैं वो आपको दिया गया है। अंदर चलते हैं और देख लेते हैं कि कितनी कंफर्टेबल वैसे इसकी जो सीट्स हैं वो है, और डोर कर दिया है मैंने बंद, अपने अकॉर्डिंग मैं सेट कर लेता हूँ। 6 फीट ऑलमोस्ट मेरी हाइट है, देख सकते हो इतना जो नी रूम है मेरे लिए परफेक्ट है। तो ऐसा कुछ है इस वेरिएंट का जो इंटीरियर का लेआउट है वो, ये आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे। ऊपरी जो हिस्सा है हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, यहाँ पे बहुत हल्का सा जो सॉफ्ट टच है वो आपको दिया गया है, और ये भी ग्लॉस ब्लैक में जो टेक्स्चर है वो आपको मिल जाता है। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ दिया गया है, इसको दबाते हैं और जो एनिमेशन एंड ऑल है वो चेकआउट कर लेते हैं। ये देखिए तो ऐसा कुछ आपको दिया गया है। जो इंटरफेस है MID का ये आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स का लोगो रंग बिरंगे तरीकों से बन के आता है, स्वाइप अप भी ये मार देती है। तो ये अपना डिजिटल स्क्रीन हो गया, इसके जो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे मिलते हैं, इसको दबाओगे तो जो व्हीकल इंफॉर्मेशन है, फिर अपना पावर एंड टॉर्क, फिर सर्विस रिमाइंडर, TPMS वगैरह, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इनबिल्ट आपको यहाँ पे जो नेविगेशन है उसके भी डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएंगे। मीडिया इन्फॉर्मेशन हो गया, फिर अपना ट्रिप वगैरह नोटिफिकेशन एंड ऑल सेटिंग, सारे जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाते हैं। काफ़ी सही इसकी जो डिस्प्ले है वो मेरे को लगी, और सीट बेल्ट जो रिमाइंडर है वो भी आपको यहाँ पे सभी पैसेंजर्स के लिए दिया गया है। यहाँ पे वही इल्यूमिनेटेड वाला टाटा का लोगो आपको मिलता है, देख सकते हो 4 स्पोक वाला, अपना लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील हो गया ब्लैक कलर में। और लेफ्ट साइड पे बात करें तो आपको मिल जाते हैं क्या, ऑडियो के सारे कंट्रोल्स, फ़ोन उठाना काटना, वॉल्यूम अप डाउन एक्सेट्रा, वॉइस कमांड्स, ये वाले मैंने आपको दिखा दिया। MID का कंट्रोल जब व्यू पे दबाओगे तो इसका जो अलग अलग व्यू मोड्स हैं, लेआउट्स हैं, वो आप देख सकते हो, ऐसा कुछ आपको दिया गया। क्रूज़ कंट्रोल आपको इस कार में मिल जाता है, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इस कार में मिलते हैं, और वाइपर्स की बात करें तो वाइपर्स में भी ऑटोमेटिक का फंक्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ इसीलिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है जो वेरियंट है ये निकल के आती है। यहाँ पे बात करें तो अपना जो इन्फोटेनमेंट है वो आपको मिलता है, और ये टॉप मॉडल जैसा 12 इंच का नहीं है, ये आपको 10 इंच का कुछ मिलता है। बट इसमें भी अच्छे खासे फीचर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑडियो मोड्स है वो आप चेंज कर सकते हो, एकॉस्टिक है, फिर तमाम जो मोड्स हैं अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सब तो है ही, ये सब तो आज की तारीख में बेसिक चीज़ बन जाती है। फिर ऑडियो मोड्स, क्लाइमेट, फिर ड्राइव नेक्स्ट, इमेज व्यूअर, मूड लाइटिंग भी है, क्योंकि आप देख सकते हो इस कार में जो एम्बियन लाइट है वो आपको मिल जाता है। मूड लाइट पर जाओगे तो जो कलर्स है अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, देखो मैंने इसको कर दिया है रेड। और थोड़ा सा नीचे बढ़े तो जो इसी के कंट्रोल्स, आई मीन जो इसी के वेंट्स है वो आपको यहाँ मिलते हैं, और यहाँ पे जो तमाम कंट्रोल्स है, ब्लोअर के कंट्रोल्स और टेम्परेचर के कंट्रोल्स आपको फिजिकल दिए गए हैं, बाकी सारे यहाँ पे टच बेस्ड कंट्रोल्स है। कितना प्रैक्टिकल है आप मेरे को खुद बताइए। फॉग लैम्प के कंट्रोल्स यहाँ पे है, हिल डिसेंट यहाँ पे है, हैजार्ड लैम्प यहाँ पे है, बूट खोलने का यहाँ पे है, सेंट्रल लॉकिंग का यहाँ पे, 360 व्यू का बटन यहाँ पे है, 360 कैमरा की भी क्वालिटी आप देख सकते हो। वैसे क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे मेंटेन किया गया है, लैग वगैरह, फिर अपना जो ग्रेन्स है वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो थम्स अप यहाँ पे। यहाँ पे एयर सर्कुलेशन हो गया, फिर अपना डिफॉगर वगैरह है, यहाँ पे एसी के मोड्स है, फिर इसी को ऑफ कर सकते हो, ऑटोमेटिक एसी पे भी आप इसको डाल सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पे है, टाइप ए का सॉकेट यहाँ पे है, टाइप सी का सॉकेट यहाँ पे है, और अपना 6 स्पीड जो मैनुअल गियर लीवर है यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि अपने पास मैनुअल वेरिएंट अवेलेबल है। वैसे DCA के साथ भी आपको मिल जाएगा। ड्राइव मोड्स अपने यहाँ पे हो गए, सिटी, इको और स्पोर्ट, यहाँ पे मैनुअल हैंडब्रेक हो गया, यहाँ पे भी हल्का सा स्पेस है, आर्मरेस्ट यहाँ पे फैब्रिक में आपको फिनिश मिलता है, स्लाइडेबल नहीं है, स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हो अंदर कैसा है, और ये भी अपना जो शटर वाला सिस्टम है वो आपको मिलता है अंदर। वैसे 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आपको जो सुविधा है वो दिया गया है। बाकी आपको ऊपर यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM है वो दिया गया है। यहाँ पे जो केबिन लाइट सही आपको LED में मिलता है। यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स है, जो सन ब्लाइंड है इसको ज़रा हल्के से खोल देते हैं, एक ही बटन है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। अगर डेडिकेटेड बटन्स होते जैसे पहले हैरियर सफारी में आते थे तो बेटर होता। अभी देखो सनरूफ भी खुल रही है, इसको ज़रा पॉज करते हैं, जस्ट अपने को खोलना है सन ब्लाइंड। बहुत थोड़ा सा ये अकेले इनकन्वीनियंट हो सकता है, बिल्कुल फेदर टच, हल्के हाथ से इसको खोलना है, तब देखो जो सिर्फ सन ब्लाइंड है वो खुल जाती है। वैसे अपर्चर इसका अच्छा खासा आपको लगने वाला है। यहाँ पे वैनिटी मिरर हो गया, कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे बात करें तो अपना टिकट होल्डर हो गया, वैसे माइक्रोफोन आपको यहाँ पे मिल जाता है।
स्टार्ट स्टॉप बटन को कर लेते हैं बंद, और जो ग्लव बॉक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्लव बॉक्स भी देख सकते हो, साइज़ वैसे बहुत डीप है, बहुत ज़बरदस्त स्पेस है। यहाँ पे भी दो कप होल्डर्स है जो कि कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल से हैं, और आपको अंदर यहाँ पे लाइट भी मिल जाता है। वैसे कार के जो ट्वीटर्स है वो आपको इस पोजीशन पे ए पिलर पे मिलते हैं। सीट कम्फर्ट की बात करें तो फैब्रिक सीट्स है बट बहुत कम्फर्टेबल मेरे को लग रही है। कुशनिंग भी काफ़ी ऑन पॉइंट है, हल्की सी सॉफ्टर साइड पर ही मेरे को लग रही है। अंडर थे सपोर्ट भी डिसेंट है, और जो साइड सपोर्ट वगैरह है ये भी ठीक है। हेडरूम की बात करें तो 6 फीट मेरी हाइट है, हेडरूम आप देख सकते हो, हेडरूम मेरे को यहाँ पे 2.5 उंगलियों का मिल रहा है, विच इज़ डिसेंट इनफ, आई कांट कंप्लेन। तो चलते हैं फटाफट पीछे और देख लेते हैं कि पीछे आपको स्पेस और अम्यूनिटीज़ के तौर पर इस वेरियंट पर क्या मिलते हैं। तो जो डोर ओपनिंग है सबसे पहले वो देख लेते हैं, क्या 90 डिग्री खुलती है? जी नहीं, 90 डिग्री तो नहीं खुलती, बट जितनी खुलती है काफ़ी सफिशियंट ये है। अगेन ये वाला फैब्रिक में फिनिश आपको मिलता है, ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है। पावर विंडो हो गया, अपना स्पीकर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको इसमें वैसे देखने को नहीं मिलता, अपना बेंच फोल्डिंग सीट्स ही ये है। तो सबसे पहले स्पेस की बात करें तो स्पेस आप देख सकते हो, स्पेस मेरे को यहाँ पे नी रूम मिल रहा है डिसेंट, लेग रूम भी ओके सा मिल रहा है, शिन रूम हल्का सा यहाँ पे वैसे कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा बट हाँ जस्ट टच हो रहा है। यहाँ पे अपना जो एसी वेंट्स है वो हो गया, टाइप ए का सॉकेट, टाइप सी का सॉकेट, हम जो बीच में है इतना आपको मिलता है जो कि काफ़ी ऊंचा है। और अगेन फैब्रिक सीट्स है। कंफर्ट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट वैसे काफ़ी बढ़िया मेरे को इस कार में लग रही है। ईवी वाले का मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे थोड़ी सी मेरे को कम लगी। वैसे कर्व ईवी वर्सेस नेक्सॉन ईवी का जो स्पेस कंपैरिजन टेस्ट है वो मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बट इसकी अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मेरे को लगी, काफ़ी बढ़िया। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गए, यहाँ पे आर्मरेस्ट हो गया दो कप होल्डर्स के साथ, और देखो थोड़ा सा ये फ्लिमजी सा मेरे को लग रहा है। एंड सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंटर सीट बेल्ट है, अपने आइसोफिक्स सीट माउंट्स हो गए, बाकी ABS विद EBD ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, हिल होल्ड, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब फीचर्स तो हैं क्योंकि टाटा जो अपनी कंपनी है सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हेडरूम की बात करें तो देख सकते हो, अगर मैं ऐसे अपराइट बैठूँ तो एक उंगली का मेरा हेडरूम बच रहा है, वैसे थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठूँ तब इतना मेरे को हेडरूम बच रहा है, विच इज़ ओके। हैंडल हो गया यहाँ पे LED में हो गए हैं अपने केबिन लाइट्स। तो पीछे से थी यही कहानी। वैसे हाइट एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट्स हैं ये भी आपको इस कार में मिल जाते हैं। तो अब जो इंजन बे है, जो बॉनेट है वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि इंजन का ही मेन खेल है, बिकॉज आई एम अ डीजल लवर। तो डीजल इंजन देख के ही मेरा जो मूड है वो काफ़ी खुश हो जाता है। वैसे इस कार में आपको एरो ट्विन वाले वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये है इसका हुड। जो वेट है ये डिसेंट सा है, बहुत भारी नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है वो दिया गया है। यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन आप देख सकते हो। और नीचे बात करें तो डीजल इंजन अपना है 1.5 लीटर का, पावर ये निकाल के आपको दे देगा कुछ 118 PS, और टॉर्क आउटपुट इसका है 260 Nm जो कि काफ़ी पंची आपको वैसे लगने वाला है। तो अब मेन जो चीज़ बाकी रह जाती है वो है कार की प्राइस। तो ये वाला जो अपने पास वेरिएंट है टाटा कर्व क्रिएटिव प्लस एस डीजल मैनुअल, इसकी एक शोरूम कीमत बैठ जाती है 15.20 लाख, मतलब 15,20,000 रुपये। तो ऑन रोड तो वो डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में रहते हैं, उस हिसाब से अपना RTO टैक्स है वो एडजस्ट होगा। बट इस प्राइस पॉइंट पे जो आपको इस कार में फीचर्स मिल रहे हैं और स्पेशली जो डीजल इंजन मिल रहा है, आई डेफिनेटली थिंक दिस इज़ 100% जस्टिफाइड, क्योंकि ज़रूरतमंद सारे फीचर्स तो इसमें है ही, बट जो लग्जरी वाले फीचर्स हैं वो भी आपको ऑलमोस्ट सभी इसमें मिल रहे हैं। तो अगर टाटा कर्व लेने का आपका प्लान है तो डेफिनेटली इस वेरियंट की तरफ आप जा सकते हो। तो यही था वीडियो अबाउट द टाटा कर्व क्रिएटिव प्लस एस डीजल मैनुअल। आप लोग बताओ आपको ये वाला जो वीडियो है और वेरिएंट है ये कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो ये वाला डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया देन आप सभी को बिल्कुल दिल से थैंक यू और लव यू।